आखिर इंडियन क्रिकेट टीम ने क्यों श्रीलंकन झंडे के साथ पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया और एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का पाकिस्तान जाने पे बैन लगा है और कैसे 7 साल के बच्चे ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। अगर जानना है कैसे तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर वन, जानी मानी एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन ऐसा क्यों कि उर्वशी रौतेला कभी पाकिस्तान नहीं जा सकती। सबसे पहली बात तो ये कि उर्वशी रौतेला पर पाकिस्तान जाने पर कोई भी बैन नहीं है। असल में उर्वशी जी मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स दोनों है और मिस इंडिया बनने से पहले उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा था जिसमें एक शर्त ये भी लिखी थी कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकती। इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उर्वशी जी पाकिस्तान नहीं जा सकती। अगर उर्वशी कभी भी पाकिस्तान जाती है तो उनका मिस इंडिया कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। नंबर टू, अब इसको देखकर भी शॉक हो गए होंगे कि आखिर इंडियन टीम श्रीलंकन झंडे को हाथ में लेकर स्टेडियम में क्यों घूम रही है। असल में ये बात है निदहास ट्रॉफी के फाइनल मैच की, जब इंडियन टीम ने लास्ट बॉल पर 6 मार के भारत को मैच जिताया। उस समय स्टेडियम में श्रीलंकाई लोग बहुत ज्यादा तादाद में थे जो भारत का सपोर्ट कर रहे थे और भारत की जीत पर जश्न मना रहे थे। आमतौर पर जीत के बाद कोई भी टीम अपने देश का राष्ट्रीय झंडा लेकर स्टेडियम में घूमती है, लेकिन रोहित शर्मा ने उस दिन कुछ अलग ही कर दिखाया जिससे न कि सिर्फ श्रीलंका बल्कि भारत का भी सम्मान बहुत बड़ा। रोहित शर्मा ने जब श्रीलंकाई भीड़ का भारत के लिए सपोर्ट देखा और प्यार देखा तो वो उन सभी लोगों का दिल रखने के लिए और उनको खुश करने के लिए श्रीलंकाई झंडे को लेकर पूरे स्टेडियम में घूमने लगे, जिससे भारत और श्रीलंका दोनों देश का सम्मान बढ़ा। तो भारतवासी होने का गर्व करते हुए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट इज नंबर 3, आखिर ये कौन है और इन्होंने अपने गर्दन में ये रिंग्स क्यों पहनी हुई है। असल में ये म्यांमार में रहने वाले कायान लोग हैं जिनका कल्चर इन्हें अपने गर्दन और शरीर के बाकी हिस्सों में मेटल पहनने को कहता है। अपनी संस्कृति और कल्चर को बचाने के लिए ये लोग अपने गर्दनों में मेटल के रिंग्स को पहन लेते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये निकलता है कि 30-40 की उम्र होते होते इन सभी की गर्दन किसी भी आम आदमी से बहुत लंबी हो जाती है। इनमें से कई लोगों को ये भी कहना है कि वो अपने में मेटल के रिंग्स इसलिए पहनते हैं ताकि बाघ या शेर इनके गर्दन पर हमला ना कर पाए। नंबर 4, एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 160,934 किलोमीटर आराम से चल लेता है। अगर पृथ्वी के सर्कमफ्रेंस की बात की जाए तो ये लगभग 40,075 किलोमीटर होते हैं, यानी कि इस हिसाब से एक आम इंसान अपनी जिंदगी में इतना चल लेता है कि वो पूरे अर्थ का 4 बार गोल गोल चक्कर लगा सकता है। नंबर 5, दोस्तों कोरियन लड़कियों की खूबसूरती की चर्चा तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन क्या आपको ये चौंका देने वाली बात पता है कि कोरियन लड़कियों के पास बगल की गंध नहीं होती। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि ज्यादातर कोरियन लड़कियों में ABCC11 नाम के जीन की कमी होती है और यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है बगल की गंध के लिए। और ज्यादातर कोरियन लड़कियों में इस जीन की कमी होने की वजह से उनके बगल से गंध नहीं होती और यही चीज इसकी वजह है कि कोरिया में आपको डिओडोरेंट न के बराबर मिलेगा। नंबर 6, बच्चा चाहे मम्मी पर जाए या पापा पर जाए, लेकिन बच्चे के अंदर मम्मी और पापा दोनों के ही गुण कुछ न कुछ जरूर होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब एक बच्चे के अंदर मदर और फादर का डीएनए इनहेराइट यानी कि ट्रांसफर हो रहा होता है, उस समय ज्यादातर बच्चों के डीएनए इनहेराइटेंस की प्रोसेस फादर के डीएनए जाने पर ही खत्म होती है। यानी कि अगर जेनेटिकली बात की जाए तो ज्यादातर बच्चों में अपनी मम्मी के कैरेक्टर्स या गुण से ज्यादा अपने पापा के कैरेक्टर्स यानी कि गुण होते हैं। तो इसी बात पे हमारे व्यूअर्स में जितने भी पापा हैं, वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। नंबर 7, बड़े साइज के डॉग्स देखने में बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े साइज के डॉग्स का बिहेवियर हमेशा छोटे डॉग्स से अच्छा होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बड़े डॉग्स ज्यादा अच्छे होते हैं या उनमें ज्यादा क्वालिटीज होती है। असल में हम इंसान छोटे डॉग्स को डिसिप्लिन और बिहेवियर सिखाने के लिए उनपे कम मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि छोटे डॉग्स बड़े डॉग्स के मुकाबले बहुत कम खतरनाक होते हैं। और वहीं हम बड़े डॉग्स को डिसिप्लिन और बिहेवियर सिखाने के लिए उनपे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बड़े डॉग्स किसी भी छोटे डॉग से ज्यादा डेंजरस और खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी वजह से ज्यादातर बड़े डॉग्स का बिहेवियर किसी भी छोटे डॉग से अच्छा होता है। नंबर 8, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कोई खेत या मैदान नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा है। इंसानों द्वारा बनाया गया ये पिज्जा पूरी दुनिया का ही नहीं बल्कि पूरे मानव इतिहास का सबसे बड़ा और भारी पिज्जा है। इस पिज्जा का वजन लगभग 23,133 किलोग्राम है और ये इतना बड़ा पिज्जा है कि इस पिज्जा से पूरे एक स्टेडियम को कवर किया जा सकता है। इटली के रोम में 13 दिसंबर 2012 को इस पिज्जा को बनाकर तैयार किया गया था। इस पिज्जा को बनाने के लिए लगभग 8,164 किलोग्राम से भी ज्यादा आटे का इस्तेमाल किया गया। नंबर 9, पश्चिम बंगाल में सैकड़ों लोगों की जान बचाए 7 साल के छोटे बच्चे ने। सेकंड क्लास में पढ़ने वाला द्वीप नस्कर एक दिन ट्रेन की पटरी के पास खेल रहा था और तभी उसने देखा कि ट्रेन की पटरी पर एक दरार पड़ा हुआ है। द्वीप नस्कर ने जहां उस दरार को देखा तो उसी समय उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करते हुए अपने मम्मी को इसके बारे में बताया। इसके बाद गाँव की कुछ औरतें और द्वीप नस्कर की माँ ट्रेन की पटरी पर लाल कपड़ा लेकर खड़ी हो गयी, जिसे दूर से ही देखकर ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को रोक लिया और एक बहुत बड़ी दुर्घटना टल गयी। बचपन
मन का प्यार गाने वाले बच्चे को बहुत अधिक लाइक मिले। अब जरा इस बच्चे के लिए भी एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।